हेलो फैमिली, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उत्तम दिनेश पवार पर। फैमिली, अभी 2-3 दिन हो गए हैं, आप दोस्तों से बात बराबर से नहीं हो रहा है, क्योंकि थोड़ा कोई टेंशन में रहता है तो अच्छी अच्छी बात, फिर किसी दोस्तों, फिर घर वाले ऐसे रहते हैं तो बोलने का मन नहीं होता है, नाराज नाराज ही दिखता है, इसलिए ज़्यादा मैं आप दोस्तों के साथ नहीं बोला है। तो फैमिली अभी ठीक है, बराबर है, थोड़ा काम रह गया है अपना सलून का दुकान का। तो ये जो टाइल है वो बैठाने के लिए रह गया है, और वो दिनेश जी और शिवम वो पत्थर लेने के लिए गए हैं, वो जो अपनी मोटरसाइकिल है उसके साथ में वो लाड़ी से वो बांध कर गए हैं। तो ये देखे, इतना ही काम बचा है, ये खिड़की का और ये इतना ही काम बचा है, ज़्यादा नहीं। तो वो काम के लिए अभी मिस्त्री ने बोला है कि वो जो टाइल बैठाने वाला है वो आएगा बोले, और बैठा देगा, पर पत्थर लगेंगे बोले, इतने 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 तो है हमारे खेत में, तो वही लेने के लिए गए हैं। तो पत्थर लाएंगे और इधर ऐसा अच्छे से रख देंगे, और किसी घन बीन या थापड़ी वगैरह से उसको अंदर डालेंगे, तो ऐसा फिट रहता है बोले, और रेती और फिर टाइल, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है बोले, ऐसा बोला है उसने बहुत अच्छे से। और खाना पीना तो हो गया है फैमिली। शिवम रश्मि की जो दहवीं का तो हो गया है, और अभी 12वीं का एडमिशन बहुत तकलीफों से हो रहा है। शिवम ने तो वो लगा दिया है, सिनाम लगा दिया है आर्ट में, शिवम ने लगा है बोले, पर रश्मि वो क्या बोलते हैं, वो साइंस लेना चाहती है, तो उधर साइंस भी है और फैमिली पैसे लग रहे हैं बोले। तो अभी मानो सलून की दुकान तो जैसे तैसे करके हमने बांध दिया है, पर जो अंदर का मटेरियल है उसके लिए हमने पैसे दीदी के पास से मांगे थे 30,000। वो सोना लिया था मेरी दीदी के पास से, मेरी बड़ी दीदी के पास से, पर वो जो शटर है वो ले लिया है, और थोड़े पैसे बचे थे तो दिनेश जी भी उसकी मन की चलाता है फैमिली, ये लिए है 8,500 के, तो इसमें पैसे ख़त्म हो गए हैं। तो अभी पैसे तो नहीं है, पर ये जो बच्चे हैं उसके लिए तो पैसे नहीं है कि कल हमने बात की थी लड़की से, मेरी दीदी की लड़की है, वो भी पढ़ाई करती है, तो उसने पूछा किसी से, तो बोलता है बोले उसको तो पैसे लगेंगे, पैसा भरना पड़ेगा 8-9 हज़ार फिर लगेगा बोले, ऐसा बोला। और बाद में मिलता है बोले, पर ए ही जानी कपड़ा गाल थाम मन वही लिया तुझा, तो इसको बोला का ही कोनी काढ़े लगे,
तो फैमिली 8-9 हजार बोला है। हमारे पास तो इतना नहीं है, पर अभी रश्मि बोल रही है कंडीशन को देखकर कि चलो बोले हम जिधर दावी की है उधर चलो बोले, उससे बात करते हैं बोले वो सर से, और उसको बोलते हैं बोले कि मैंने क्या गलत किया था, क्या मैंने आप लोगों को तरास की थी, क्या ऐसा गुनाह किया था मैंने इतना अच्छा किया, और तभी भी मुझे ले नहीं रहे हैं क्यों, ऐसा बहुत बोल रही थी रश्मि। तो आज जाएंगे कि नहीं पता नहीं हो तो, पर शिवम का तो लग गया है, पर वो जो रहने वाला हॉस्टल है उधर वो कागज देने के लिए आज बोल रहा है कि चलो मम्मी बोले आप भी चलो, वो देकर ला आते हैं वो कागज भर के आते हैं, और रश्मि दीदी का देखेंगे बोले, ऐसा बहुत बोल रहा था। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, हमारा खाना पीना तो हो गया है फैमिली, पर मेरे बच्चों शिवम का तो मानो हो गया है, पर रश्मि बेचारी अच्छा ही करना चाहते हैं, और तू कितना रोट लगा कहाँ मैं करा था, और क्या होगा वो तो पता नहीं, पर पैसा लगना जरूरी है इधर, उसके उसके जहाँ वहाँ दावी की है उधर वो लग गया, तो अब मानो अच्छा है बहुत अच्छा है, और नहीं ली रश्मि को तो बहुत फिर गलत है। तो फैमिली अभी बाल बिल बना लेते हैं और देखते हैं आगे, बकरे बिकरे तो सब छूटने लगे। तो फैमिली अभी बाल बिल बना लिए हैं, दीदी के अभी वो मिस्त्री आ गए हैं तो वो भी काम कर रहे हैं, मोहिनी गुंजन और दीदी खाना बना रही है, अभी 11 बज गए हैं, और वो देखे लाड़िस पत्थर लेने के लिए जा रहे हैं, पत्थर ला रहे हैं, वो देखिए। तो देखते हैं बकरे बकरे छोड़ते हैं, फैमिली पत्थर बिथर हो गए हैं, अभी खाना बिना खा लेंगे, और रश्मि बकरियां लेकर चली गई है, ये एक बकरी इधर ही है, रहने दो यहीं पर रहेगी, वो बकरी थोड़ी बीमार थी इसलिए यहीं पर है बकरी, 3 दिन की बीमार थी वो, पानी पिला दे तरफ, वो घी खा लिया था और उसका पेट है ना वो सूज गया था। अभी कुछ नहीं, खाना पीना खाएंगे, यहीं पर भी काम हो रहा है, और शिवम नंद्रुबार जाने के लिए बोल रहा है, वो हॉस्टल में एडमिशन लेने के सिखवाना मत हो गया, हाँ अभी हॉस्टल का बाकी है तो वहीं पर जाएंगे। तो फैमिली अभी दम मन बोल ले आदा, तो फैमिली मिलते हैं हम अगली वीडियो में, और हमारे साथ में बने रहेगा, और रश्मि का क्या होगा क्या नहीं वो हम बताएंगे, हमारा साथ देना फ्रेंड, और वहाँ हमें सपोर्ट करना, यही हमारी विनंती है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र, जय खंडे।